हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का, और उसमें हमने डिस्कशन किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स का, और सिग्निफिकेंट फिगर्स के हमने कुछ रूल्स को स्टडी किया था। ठीक है, कुछ सिंपल से रूल्स थे सिंपल से नंबर्स के लिए, और उसके अलावा कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं नंबर्स के, तो उनके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह से फाइंड करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूएबल डिजिट्स, कि कितनी वैल्यूएबल डिजिट्स प्रेजेंट होती हैं हमारे पास, जो भी नंबर है उसके अंदर कितने डिजिट्स वैल्यूएबल होंगे, उनको बोला गया था सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन का रूल देख लेते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया था दोनों के सेम रूल हैं, जिस तरह से आप एडिशन के केस में फाइंड करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, वैसे ही आप यहां पे सब्ट्रैक्शन के केस में फाइंड करेंगे। देखिए, एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिख रखा है 22.2 माइनस 11.12, आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, कल भी मैंने आपको बोला था, लास्ट वीडियो में भी हमारे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप यहां पे इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं तो आप अपनी तरफ से यहां पे जीरो मत लगाना। ठीक है, आपको यहाँ पे सोल्व करना है, इसी तरह से आप इसको सोल्व कर ले तो बेटर है इंस्टेड ऑफ राइटिंग जीरो हेयर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जीरो लिख देते हैं तो उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि डेसिमल्स के बाद कितनी डिजिट्स प्रेजेंट है। तो अगर आप यहाँ पे जीरो भी लिखेंगे तो आपको ये भी डिजिट दिखाई दे रही है, तो आप क्या कर देंगे, डेसिमल के बाद टू डिजिट्स हैं, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। गिवन तो आपको यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, वन ही डिजिट है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है, सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब जैसे एडिशन में यहाँ पे जब आप ऐड कर लेते हैं आपका आंसर आता है, तो उसको आप क्या बोलते थे, एक्चुअल सम। इसी तरह से इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा एक्चुअल सब्ट्रैक्शन। एक्चुअली जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों को तो ये वैल्यू हमें मिलती है, दिस इज आवर एक्चुअल सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने का रूल क्या है, जो हमें दो टर्म्स यहाँ पे दी गई थी फॉर सब्ट्रैक्शन, इसमें आप देखिए डेसिमल के बाद कितने कितने डिजिट्स प्रेजेंट है, डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए लिख के बता रही हूँ। ठीक है, डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है, ओनली वन डिजिट। यहाँ पे कितने डिजिट्स है, टू डिजिट। और हमें सिलेक्शन किसका करना होगा, यहाँ पे लीस्ट नंबर का, लीस्ट नंबर, और यूं बोल सकते हैं लीस्ट डिजिट। देखिए यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, वन स्मॉल है, इसका मतलब वन, वन का मतलब क्या, वन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर रिपोर्टेड सब्ट्रैक्शन, कि एक्चुअल में तो सब्ट्रैक्शन यहाँ क्या है, लेकिन जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करेंगे तो वो हम इसकी हेल्प से फाइंड नहीं करेंगे, रिपोर्टेड सब्ट्रैक्शन की हेल्प से फाइंड करेंगे, जो हमें ये डिसाइड करवाएगी कि क्या होगा एक्चुअल में यहाँ पे रिपोर्टेड सब्ट्रैक्शन। देखिए ये वन हमें बताता है कि आपका जो यहाँ पे रियल आंसर आएगा उस आंसर के अंदर भी क्या होना चाहिए, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट प्रेजेंट होनी चाहिए। यहाँ पे तो दो डिजिट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, एक डिजिट आपको हटानी पड़ेगी, तो क्या आएगा यहाँ पे 11.0 नहीं आएगा, क्या आएगा 11.1। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आपको यहाँ पे एक डिजिट लिखनी है, देखिए ये आपके पास है, और मैं कह रही हूँ डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट आपको लेनी है, इट मींस या तो आप ये लेंगे या आप लेंगे ये, डिपेंड करता है आपकी नेक्स्ट वाली डिजिट पे। अगर ये डिजिट है ग्रेटर देन 5 तो हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ। ठीक है, और अगर लेस देन 5 है तो राउंड ऑफ नहीं किया जाता, इट इज 8, ग्रेटर देन 5 तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ में इस वाले डिजिट में क्या कर देते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं, तो क्या हो गया हमारा 11.1, ये हमारा आ गया रिपोर्टेड सब्ट्रैक्शन। इसके बेसिस पे फाइंड कीजिए अब टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इस नंबर में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो उसका आंसर, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर आर 1, 2 एंड 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का यही सेम रूल होता है, जिसको हमें ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो रियल में उसका एक्चुअल एडिशन या एक्चुअल सब्ट्रैक्शन करते हैं, फिर यहाँ पे लीस्ट डिजिट्स के बेसिस पे रिपोर्टेड सम या रिपोर्टेड सब्ट्रैक्शन को फाइंड कर लेते हैं, और उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये रूल था हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब जिस तरह से मैंने आपको कहा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल कैसा था, सेम था, इसी तरह से आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, या मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, कोई सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, डिवीजन कर रहे हैं, इसके लिए आपके पास सेम रूल होगा। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का सेम रूल, मल्टीप्लीकेशन सिंप्लीफिकेशन या डिवीजन का क्या होता है, सेम रूल होता है। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं मल्टीप्लीकेशन का। फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्या है हमारे पास, कुछ भी नंबर ले लेते हैं, 1.2 इंटू 1.22, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 1.464,
ठीक है, क्या क्या हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लीकेशन किया। कुछ भी आपको डिजिट्स गिवन होंगी, नंबर्स गिवन होंगे, आप उनके मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। अब आपको फाइंड करना है क्या इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते थे, हम देखते थे डेसिमल के बाद के डिजिट्स, डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, यहाँ यू बोल सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट्स वहां पे प्रेजेंट थे डेसिमल के बाद। यहाँ पे डिजिट्स नहीं देखने, यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें देखने हैं टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ऑल गिवन नंबर्स। जो हमारे पास गिवन नंबर्स थे उनके अंदर कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो देखने होते हैं। अब यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, टू। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, थ्री। और दोनों में से सिलेक्शन करना होता है छोटे वाले का ही, ठीक है, या क्या बोल सकते हैं स्मॉलर नंबर का। तो टू छोटा है, दो छोटा है, तीन बड़ा है, इट मीन्स जो हमारा आंसर है उस आंसर में भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होने चाहिए। तो ऑटोमेटिकली एक्चुअल में हमें जो आंसर है इसका सिग्निफिकेंट फिगर का इन्हीं को देख के पता चल जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे क्या है, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आंसर क्या होगा, छोटा नंबर हमें लेना है दोनों में से, टू है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे कितने होंगे, टू। ठीक है, जब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको यहाँ सिंप्लीफिकेशन करके दिखाना नहीं होता, आप जस्ट यहाँ पे देख के सीधा रूल लगा करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, तो हमारा आंसर क्या होगा, छोटा नंबर, यानी कि टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूँ 5.25 × 1.323, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया मेरे पास ये, और मुझसे पूछा गया इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो ऑब्जेक्टिव में मुझे सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे अपना सीधा रूल अप्लाई कर सकती हूं क्या, कि यहां पे इस वाली टर्म में है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, इस वाली टर्म में है कितने, फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आंसर में मुझे क्या मिलेगा, छोटा नंबर। ठीक है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स दोनों में कितने होंगे, थ्री। मतलब दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर मुझे मिलेगा छोटा नंबर, यानी कि थ्री। ठीक है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं तो उसके अंदर हमें सिंप्लीफाई करके दिखाना होता है। आप लोगों को बोला जाता है कि सॉल्व एंड फाइंड द, या सिंप्लीफाई एंड फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आप सॉल्व करके दिखाएंगे। अब देखिए 1.464 इसका आंसर था, और आपको पता है कि आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, दो सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये आपका एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, इसी तरह से आपका रिपोर्टेड मल्टीप्लीकेशन भी होगा। मीन्स आपको आंसर में सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स दिखाने हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब स्टार्टिंग की दो टर्म्स ही रहनी चाहिए, बाद वाली टर्म्स को क्या कर दो, हटा दो। अब शुरू की दो टर्म्स रहेंगी तो या तो मैं उसको लिखूं 1.4 या मैं उसको लिखूं 1.5, डिपेंड करेगा नेक्स्ट नंबर पे। इसको लिखने से पहले एक बार आप इसको चेक कर लिया करो, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 है तो इसमें राउंडिंग ऑफ की जाती है और इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये, एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर विल बी 2। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम क्या देखते हैं, डेसिमल के बाद की डिजिट्स, और हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम फाइंड करेंगे रिपोर्टेड सब्ट्रैक्शन में भी हमें वही रूल लगाना होता है कि यहाँ पे छोटा नंबर 1 है, यानी हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट होनी चाहिए। यहाँ हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देख रहे हैं, इट मीन्स हमारे आंसर में वो छोटा नंबर जो है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, एक सिंप्लीफिकेशन का और कराती हूँ इसी तरह का। मान लीजिए हमारे पास ऐसे ही इसी टाइप का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज वी हैव 1.2 × 1.22 / 4। अभी मैंने इसी का मल्टीप्लीकेशन किया था, 4 से मैं उसको डिवाइड कर देती हूँ, सिंप्लीफाई करेंगे हमें मिलेगा 0.366। ठीक है, अब इसमें देखिए इसके अंदर भी क्या है, सिंप्लीफाई करके तो मुझे ये मिल गया आंसर, मुझे यहाँ पे जो ये तो एक्चुअल सिंप्लीफिकेशन मिला है मेरा, मुझे रिपोर्टेड भी यहाँ पे शो करना पड़ेगा अगर आपसे पूछा गया है कि सिंप्लीफाई करके दिखाइए तो। लेकिन रूल मेरा क्या कहता है, ये तो मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है दोनों में, और फिर जो आंसर आएगा उसको आपने इससे उस आंसर को आपने डिवाइड भी किया है, मीन्स ओवरऑल आपने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किए हैं। अब आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन वाले केस में वही रूल लगाना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड कीजिए सब में। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1, 2, यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे कितने हैं, 1, नो 1 नहीं है, क्यों, मैंने आपको कल क्या बताया था कि इट इज एन एग्जैक्ट नंबर, और एग्जैक्ट नंबर्स में क्या होता है, 4 को जरूरी तो नहीं है मैं 4 ही लिखूं, मैं इसको लिख सकती हूँ 4.0, आई कैन ऑल्सो राइट 4.00, 4.000 एंड सो ऑन। इस तरह से लिखूंगी तो यहाँ है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऐसे लिखूंगी तो 3, ऐसे लिखूंगी तो 4, और इसी तरह से चलते जाएंगे। सो एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स।
ठीक है, तो मुझे एग्जैक्ट नंबर को तो लेना ही नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट में तो सबसे ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा इसके अंदर तो हो सकते हैं, मुझे इनमें से लेना छोटा, दोनों में से स्मॉलर नंबर क्या है, टू। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर विल बी टू, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें, टू। और अगर आप इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना चाहें तो आप इसको 0.3 नहीं लिखेंगे, सॉरी स्टार्टिंग वाला तो आपके पास आता ही नहीं है, ठीक है, तो आप उसी हिसाब से इसको हटा करके मेंशन कर देंगे, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस में डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है तो आप सीधा बता सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे कितने आ गए हैं, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से आपको देखना है, ये आपका रूल था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सिंप्लीफिकेशन के लिए। कभी कभी आपसे ऐसे भी बोल दिए जाते हैं कि वी हैव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है या हमारे पास एक प्रोटोन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वैल्यू आप सबको पता होती है इजिली कितनी होती है, ठीक है, आप सब उसकी वैल्यू जानते हैं। तो जरूरी नहीं आपको बोला जाए कि 9.1 × 10⁻³⁻¹ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 6.023 × 10⁻²³³ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये हमारी कुछ नोन टर्म्स हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट इज आवर एवोगैड्रोस नंबर, तो बाय नेम भी बोला जा सकता है कि एवोगैड्रोस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट है, ठीक है। जनरली एवोगैड्रो नंबर आपको ऐसे नहीं दिया जाता है, आपको इस तरह से लिख के ही दे देते हैं क्योंकि आप लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि इस नंबर को हम ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें वेरिएशंस किए जाते हैं, बट इन केस अगर आपको बोल ही दिया जाए कि एवोगैड्रोस नंबर में फाइंड करने हैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो मोस्टली जो हम लिखते हैं वो ये वाला होता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, मान लीजिए मैंने आपको ये टर्म दी कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड कीजिए या इसमें फाइंड कीजिए, तो जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं पावर वाली तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होती ही नहीं है, बाकी जो बच गया उसमें देख लीजिए, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो हमारा बहुत सिंपल सा टॉपिक है, सारे रूल्स को एक बार आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए, बहुत सिंपल से रूल्स हैं, ठीक है, थैंक यू।